हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे HTML के कुछ स्पेशल टैग्स की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कमेंट टैग की। तो कमेंट टैग आपको जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन से दिख रहा होगा, ये कमेंट टैग्स कहलाएंगे। कमेंट टैग वो टैग्स होते हैं जो HTML के पेज में होकर भी डिस्प्ले नहीं होते। मतलब वहाँ पे आप इनको अगर टैग्स के इन ब्रैकेट्स के अंदर आप देख रहे होंगे, टैग ब्रैकेट्स, इन दोनों के अंदर जब लिखते हैं तो स्टार्टिंग में मार्क आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है। और अगर ये स्टार्टिंग में लगा दिया जाए टैग के और उसके बाद कुछ भी लिखा जाता है तो वो प्रिंट नहीं होता, वेब पेज के अंदर प्रिंट नहीं होता। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर केवल ये वाली लाइन आपको प्रिंट हो रही है जिसमें लिखा हुआ है दिस इज़ अ पैराग्राफ, और ये लाइन केवल आउटपुट में आपके यहाँ पर दिख रही है। उसके अलावा जितने भी कमेंट लाइन जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में लिखे गए हैं, दो लाइनें, उन्हें यहाँ पे प्रिंट नहीं किया जा रहा है। सेकेंड बात करते हैं कोटेशन कैसे लगाएं। मतलब आप अगर HTML में कहीं पर कोटेशन लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाया जाए, तो इसके लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये ऑप्शंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये कोटेशंस कहलाता है। सो ये कोटेशंस का स्टार्टिंग पॉइंट और ये कोटेशंस का एंडिंग पॉइंट, और इसके बीच में जितना पोर्शन लिखाया जा रहा है वो यहाँ पर कोटेशंस के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे कोटेशंस लग रहा है डबल मार्क, और ये डबल मार्क कोटेशंस का। इस तरीके से हम लोग अपने टेक्स्ट पेज में कोटेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड, ये आप फैमिलियर हैं बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन टेक्स्ट कैसे लिखे जाएं। तो बोल्ड के लिए डबल एरो के अंदर जो आपके ग्रेटर देन एंड लेस देन एरोज होते हैं, जिसे हम टैग्स भी कहते हैं, उनके अंदर आप बी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं और स्लैश बी से एंड करते हैं तो इसके बीच का टेक्स्ट बोल्ड होकर आएगा। अगर यही चीज़ आप अंडरलाइन करते हैं, यू लिख के करते हैं, तो ये इटैलिक और अंडरलाइन होकर आएगा। आई से इटैलिक और यू से अंडरलाइन, बी के जगह पर अगर आप करते हैं तो वो इटैलिक टेक्स्ट होगा या फिर अंडरलाइन टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को स्मॉल फॉन्ट्स में लिखना है, मतलब स्मॉल साइज में होकर लिखना है थोड़ा सा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो लाइनें हैं, एक नॉर्मल और एक स्मॉल। तो ये इसको करने के लिए भी आप स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। जैसे आप मैथ्स में और केमिस्ट्री में बहुत जगह पर आपको सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट करना पड़ता है, तो आप उसके लिए इस टैग का यूज़ कर सकते हैं जिसे हम सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट कहते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के लिए सब और सुपर स्क्रिप्ट के लिए सब का यूज़ किया जाता है। तो सब सब स्क्रिप्ट एंड सब फॉर सुपर स्क्रिप्ट। इस तरीके से हम ऊपर की ओर या नीचे की ओर, जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट होगा, और अगर हम केमिस्ट्री के इक्वेशंस की बात करें तो H2SO4 यहाँ पर 2 और 4 की जगह पर सब स्क्रिप्ट का यूज किया जाएगा। फिर आगे हम बात करेंगे मार्क टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट को अगर मार्क करना हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट फॉरगेट टू बाय और मार्क मिल्क, तो यहाँ पर देखिए आपको मिल्क और टूडे उसके बाद में, तो ये केवल वो वर्ड मार्क हो जाएंगे जिनको आप मार्क करना चाहते हैं, मतलब जिनको हाईलाइट करना चाहते हैं आप। फिर बात करते हैं हम लोग डेल कमांड की। तो डेल टैग जो होता है वो बेसिकली कभी जैसे आप राइटिंग कर रहे होते हैं और आपसे बोला जाता है कि अगर आपकी मिस्टेक हो जाए कहीं पर तो आप उसे कट कर दीजिएगा, जैसे यहाँ ब्लू को कट किया गया है, तो
ऐसे ही टेक्स्ट में अगर आप किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं विदाउट मेकिंग एनी विदाउट यूजिंग एनी रबर और इरेजर, देन यू यूज अ डेल कमांड। अब एक और कमांड जिसे हम कहते हैं राइट टू लेफ्ट, और यू कैन से द बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ये क्या करता है, टेक्स्ट को उल्टी तरफ से लिखना स्टार्ट करता है। जितना भी टेक्स्ट आपने, मतलब जितना भी सेंटेंस या पैराग्राफ का पोर्शन आप चाहते हो कि उसे रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, तो वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जैसे आपको दिख रहा होगा, दिस लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये आप करें तो यहाँ स्टार्टिंग से आप बैक साइड से यहाँ से स्टार्ट करें तो दिखाया है THIS दिस LINE लाइन एंड सो ऑन। ये पीछे की ओर ये वाला पोर्शन जिसे हमने बॉर्डर BDO बाई डायरेक्शनल ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये यहाँ से लेकर द नेक्स्ट से लेकर लेफ्ट तक ऐसे ही बैक डायरेक्शनल प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट को कैसे, टैग को कहाँ पे यूज़ करना है उसके बारे में देख सकते हैं। लास्ट कमांड आज का है वो है बटन। बटन आपको कंप्यूटर में जब आप यूज़ करते हैं कई जगह पर, आपको एक पुश बटन जिस पे आप माउस क्लिक करते हैं और एग्जीक्यूशन हो जाता है कमांड का। यहाँ पर देखिए आप क्लिक मी, ये एक बटन की तरह से दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। तो ये बटन कमांड है, और बटन कमांड को लिखेंगे कैसे, और जितने पोर्शंस को आप लिखेंगे वो बटन की तरह से बिहेव करने लगेगा। सो आज का टॉपिक यहीं तक, कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।